हेलो एवरीवन, दिस इज़ शीतल, योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शासत नाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। मैं इसमें बेटा इंग्लिश में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था रोल मॉडल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उसके जो एक्सरसाइज डी थी क्वेश्चन आंसर्स की, उसके 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ओके, व्हाट वाज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम्स फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल। उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था स्कूल में? तो आप सीधा भी बोल सकते हो मैम मैथमेटिक्स, अगर आप पूरी लाइन लर्न कर सकते हो तो वेरी गुड। तो आप इसमें बोलोगे हिज फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल इज मैथमेटिक्स। देखो आंसर में मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा हिज फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल वॉज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वेयर डिड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग, 7th क्वेश्चन। ठीक है, उन्होंने जो था एरोस्पेस इंजीनियरिंग की स्टडी कहाँ से की, कहाँ से की थी? ही स्टडीड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट, आप इतना भी लर्न कर सकते हो, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एरोस्पेस की इंजीनियरिंग की स्टडी पास की थी। जैसे अब आपसे पूछने लग जाए कि आपने सेकंड क्लास कहाँ से पास की है, तो आप कहोगे ना कि मैम हमने शासत नाम जी गर्ल्स स्कूल से सेकंड क्लास की है। तो ऐसे ही उनसे पूछा गया है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो कहाँ से करी है, तो वो कहाँ से करी है, मद्रास शहर का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज रोहिणी डेवलप्ड बाय SLV-3। ठीक है, इसकी हमने पढ़ा था ना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV की फुल फॉर्म पढ़ी थी। तो जब ये रोहिणी नाम का जो एक सैटेलाइट था उसका विकास कब हुआ था, कौन से टाइम में, रोहिणी किसी लड़की का नाम नहीं है, उस मिशन का नाम है, उस सैटेलाइट का नाम है जब उसे बनाया गया था। जैसे हम रख देते हैं ना किसी भी चीज़ का नाम, तो किसी वस्तु का नाम, चीज़ का नाम, हम अपने साइकिल का नाम भी रख देते हैं कि ये तो मेरी मतलब साइकिल है ना, जैसे नॉर्मली साइकिल तो हम कहते हैं उसको, हम बोल देते हैं कि ये मेरी जैकी है, ये तो मेरी, कुछ भी नाम रख दो जैसे हम चीज़ों का नाम रख देते हैं। जैसे उस सैटेलाइट का नाम था रोहिणी, रोहिणी को कब बनाया गया था, इन जुलाई 1980। ठीक है, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। ओके, अगर पूरे पूरे लर्न नहीं हो पा रहे हैं, वैसे तो पूरे पूरे लर्न करने की पूरी कोशिश करो क्योंकि आपकी क्लास अब थर्ड हो गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेम वन इंस्टीट्यूट वेयर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज ए विजिटिंग ऑफिसर। एक इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जिसमें उन्होंने विजिट किया था। उन्होंने 3 इंस्टीट्यूट में विजिट किया था जो लिखे हुए हैं बुक के अंदर, पर उनमें से हमने सिर्फ एक का ही नाम बताना है। ओके, तो वो एक कौन सा है, चलो हम देखते हैं। वो एक है जैसे अब इसमें दे रखे हैं IIM अहमदाबाद एंड IIM इंदौर। ठीक है, इनमें से कोई एक आप लर्न कर सकते हो, 3 हैं, IIM अहमदाबाद एंड IIM या इंदौर। ठीक है, इन तीनों में से एनी वन एक कर लो। तो मैंने पहले ही बताया था कि 3 स्कूलों में, 3 इंस्टीट्यूट में विजिट किया था उन्होंने, तो उन तीनों में से कोई भी आप एक या दो लर्न कर सकते हो। ओके, अब ये कि जो नेम एनी 2 बुक्स रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम, उनके द्वारा लिखी गई कोई भी 2 बुक के नाम बताओ। उन्होंने लिखी तो बहुत सारी थी, कोई भी 2 बुक के नाम हमें बताने हैं, तो 2 बुक्स के नाम हम यहाँ से देखेंगे। जो मेन है उनकी, सबसे जो फेमस मानी जाती है वो है 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, एक ये हो गई, एक होगी लिंक्डइन माइंड्स, एक होगी विंग्स ऑफ फायर एंड मिशन इंडिया 2020। 3 दी हैं आपको, 3 में से कोई 2 बुक के नाम लर्न कर लेना। एक तो ये छोटी सी है लिंक्डइन माइंड्स हो गई, ठीक है, चाहे फिर ये याद कर लो 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, या फिर ये याद कर लो विंग्स ऑफ फायर एंड मिशन इंडिया 2020। ओके, तीनों बुक्स में से कोई भी 2 बुक के नाम लर्न कर लो। ओके, तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। तो अब आपको बेटा, जैसे वैसे तो फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का है, तो अब साथ साथ इंग्लिश की भी तैयारी करते रहो क्योंकि कोई भी छुट्टी नहीं है बीच में। तो आज आप पूरा दिन इंग्लिश पढ़ो और हिंदी हम कल करते हैं रिवीजन, और वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने हिंदी में क्या क्या करना है, उसकी वीडियो भी मैं आपको सेंड कर देती हूँ।